नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ जो बाइक रहती है ना वो ओवर होती है, उसको किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओवर देखो बाइक हो रही है, उसमें से पेट्रोल फैल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊँगा। तो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है जो ओवरफ्लो हो रहा है, तो किस तरीके से इसको सही करेंगे उसके बारे में आज का आपको पूरा खोल के बताता हूँ इसको। तो सबसे पहले दो ये रहते हैं बोल्ट, ये 8 mm बोल्ट से इसको खोल लो, पाने से 8 mm वाले स्पिनर रहता है, ओपन स्पिनर से इसको खोल लो। साथ साथ इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक पिन इसको भी खोल लो। अब ये वाला पोर्शन रहता है, इसके अंदर एक फ्लोट लगी रहती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ये दो बोल्ट रहेंगे उनको खोलेंगे, और उनको बिल्कुल आसानी से आराम से खोलना है, स्लिप ना होने चाहिए। तो इसको मैं आपको एवरेज भी सेट करके बता सकता हूँ कि कितना एवरेज सेट रहता है वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू का RPM स्क्रू से। अब आप देखिए इसके अंदर कितना सारा कचरा है। मेन क्या रहता है, ये फ्लोट रहती है, यदि ये फ्लोट पंचर हो गई और प्रॉपर तरीके से पंचर हो जाएगी तो ये इसके अंदर पेट्रोल आता ही रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसके अंदर ये वाली नीडल, ये वाली नीडल, यदि नीडल यदि ख़राब हो गई है, ये वाली नीडल यदि ख़राब हो गई है तो इसके अंदर से पेट्रोल आने लग जाता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे फ्लोट को, कोई भी पानी का एक कप ले लो, मग ले, उसके अंदर इसको डाल दो, यदि इसके अंदर बबल्स ना आ रहा है तो ये सही है, ऊपर फ्लोट तैरता रहेगा, यदि इसके अंदर बबल्स आ रहा है तो ये पंचर हो जाती है, तो इसको चेंज कर दो। अब इसके बाद क्या रहता है, ये यहाँ पर जो रहता है हो सकता है उसके अंदर कचरा आ गया, तो उसको अच्छे से फूंक मार दो इस पेट्रोल वाली नली को निकाल कर। इसमें क्या रहता है, ये निब रहती है ना वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिट हो जाती है ये, तो इसको पेट्रोल को वो आने से रोक देती है। इसके बाद ये वाला रहता है मेन जेट, ये रहता है पायलट जेट, इनको आप साफ कर सकते हो। इसी के द्वारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करके कार्बोरेटर सिलेंडर हेड के अंदर डालता है, भिजाता है। तो ये रहता है मेन जेट, इसके अंदर जो नीडल रखी रहती है वो क्या रहता है, ये वाली रहती है जो एक्सीलेटर वाला रहता है, इससे ये जितना ये ओपन होगा उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर चला जाता है। अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब हम चोक लगाते हैं, ये देखो चोक लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने चोक लगाया तो एयर इधर से जाएगी और पेट्रोल इधर से जाएगा, तो उस समय हमको क्या रहता है, रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ज़्यादा मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एयर की क्वांटिटी कम रहती है और पेट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से ये जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, जैसे स्टार्ट हो जाती है हम उसको चोक को हटा देते हैं तो फिर एयर इधर से जाने लग जाती है। इस तरीके से ये क्या रहता है, नॉर्मल वे पे हो जाता है और जो एयर फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर रहता है वो जाने लग जाता है। अब मैं इनको फिट करता हूँ, इनको साफ कर लिया। यदि आपके पास साइकिल वाला पंप है उससे अच्छे से प्रेशर से इसको प्रेशर दे दो तो इसके अंदर जो भी कचरा रहता है वो निकल आता है, साफ हो जाता है, इसकी वजह से ये मिसिंग भी नहीं करती है गाड़ी। अब सबसे पहले ये आप इसको जब भी लगाओगे तो ये इसको क्या करना, हमेशा ये फ्लोट रहता है, फ्लोट के नीचे की साइड लगाना है यहाँ पर इस तरीके से, ये आसानी से फिर इसके अंदर ये फिट हो जाती है। यदि ऊपर से लगा दिया तो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगी।
अब इसके बाद आप क्या करो, इसको हवा दो, यदि हवा इसमें आ रही तो समझ जाइए इसमें प्रॉब्लम है, यदि हवा नहीं जा रही तो ये सही है। अब इसको आसानी से आप फिट कर दो, इसके बाद ये फिर नट को अच्छे से टाइट कर दो, और ये काम बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। आप अपने घर बैठे ही ये काम कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में और थोड़ा टूल्स होना चाहिए। अब देखो मैंने इसको चालू कर दिया और फ्यूल को भी चालू कर दिया, इसके अंदर से अब कोई भी ओवर नहीं हो रही गाड़ी, यानी हमारा जो कार्बोरेटर के में ओवर प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से सॉल्व हो गई है। तो आप भी अपनी बाइक का कार्बोरेटर की ओवर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University। थैंक यू।